भाई मैं तो अजमेर में हर गांव से आवाज मैं बहुत दुखी हो गया यहाँ आ के, और रोज का लेकर नहीं आनी। अगर ये बिटोरिया में तो फिर तो सही होती, अब ये इमन नहीं सही हो रही है डायलिस। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। अब तो हमें तीन होती, अब दो ही होने लगी, तो वो भी टेम नहीं है कोई। कितनी बार आप आ गए यहाँ पे? तीन बार आ गया। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती, डंडा देके यहीं डंडा देके मरेंगे हम, पेट्रोल के सीसी लग के यहाँ। आपका नाम? सीता देवी। वही डायलिसिस वाली समस्या है, मैं चौथी बार यहाँ आया हूँ, पर अभी तक डायलिसिस जो जेल एन हॉस्पिटल में है ना, सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है और पेशेंटों की जान पे बन पड़ी है। अब मैं तो कलेक्टर साहब से, मंत्री महोदय जो भी हैं चिकित्सक, उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जेल एन हॉस्पिटल की छत के नीचे डायलिसिस यूनिट चालू करने का वो कराए, नहीं तो पेशेंटों की जान पे बनना ये अब तो बस लास्ट है। और अगर आगे, और कल मेरे पिताजी की डायलिसिस का नंबर है, पर ये पता नहीं कि कहाँ होगी, अगर डायलिसिस का कोई नंबर नहीं मिला, नहीं होगी, तो मैं सीधा कलेक्ट्री में आके, मेरे पिताजी जो हैं 65 ईयर्स हैं, मैं उनको यहीं आके सीधा बैठाऊंगा आके। मेरा नाम महेश कुमार, मेरे पिताजी का नाम जो पेशेंट है नरेंद्र कुमार, 65 ईयर्स एज। सर हमारे साथ यही परेशानी है, हमको जेलन से वहाँ दीपमाला शिफ्ट किया गया, लेकिन हमारी कंडीशन नहीं है कि हम पैसे देके वहाँ पे करावें जाने आने का। मेरे सप्ताह की तीन डायलिसिस होती है, उसमें मेरे जाने आने मतलब 500 रुपये रोज के लगते टेम्पो के, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे पति की अभी अगले गुरुवार को डायलिसिस हुई थी, उसके अंदर उनको CPR करना पड़ गया क्योंकि वहाँ ट्रेंड स्टाफ नहीं है, और मेरे पति को बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। बड़ी मुश्किल से तो मेरी किस्मत से वो बचे। CPR का मतलब लास्ट स्टेज थी। तो अब हम यही चाहते हैं कि हमको संजीवनी को ही हम ये सौंपा जाए, जेलएन की छत के नीचे संजीवनी स्टाफ ही हमारा डायलिसिस करे। अगर नहीं सौंपा जाता है तो फिर हम हमारे पेशेंट को लाके यहाँ कलेक्टर के आगे ही हम धरना देके बैठेंगे, और हमारे को जो करना है कलेक्टर चाहे मारे करे कुछ भी करे, हम पेशेंट को लेके यहीं बैठ जाएंगे। जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ठीक है, आपका नाम बताइए। रेखा गोयल। हम यहाँ पे कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, परसों भी हम मिले थे, पर लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हम इधर उधर भटक रहे हैं, डायलिसिस कराते हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम बार बार आए जाएं। अब दूसरा यहाँ से जेलन से हमें दीपमाला भेज दिया गया है, दीपमाला के अंदर वहाँ पे डायलिसिस प्रॉपर नहीं हो रही है, जहाँ 4 घंटे डायलिसिस होनी चाहिए वहाँ 2 घंटे हो रही है। सेकंड, जो जेलन से रिपोर्ट होके जाती है वहाँ पर, वो उसको मान नहीं रहे, वो अपनी कहते हैं कि यहीं पर रिपोर्ट कराओ, वो रिपोर्ट 1000-1500 रुपये के करीब लगती है, वो आदमी हर कोई पे नहीं कर पाता। सेकंड, जो प्रॉपर डायलिसिस 4 घंटे की होनी चाहिए वो वहाँ पर 2 घंटे ही कर रहे हैं, और दूसरा वहाँ का जो स्टाफ है अनट्रेंड है। सेकेंडली, वहाँ पर जो स्टाफ है वो एक मिसबिहेवियर करता है, बहुत यानी रूडली बातें करता है। वो जेलन से जो भी मरीज जाता है उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या है, कि आदमी पाकिस्तान रहने चला गया, वहाँ पे जो उस हिसाब से ट्रीट होता है। यहाँ पे हम 3-4 बार मिलने आ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है, ना प्रशासन यहाँ सुनवाई करता है, ना अस्पताल प्रशासन सुनवाई करता है, इन्हें की आपस की लड़ाई के अंदर हम लोग मरीज फिस रहे हैं। तो यहाँ धरना देंगे, यही मरेंगे ना फिर, उससे बढ़िया। संजीव भार्गव। सर हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह पहले जेएलएन में डायलिसिस हो रही थी वापस वहाँ शुरू करवाई जाए। इन्होंने हमें भेज दिया दीपमाला, सबसे पहले तो दीपमाला वहाँ भेज दिया प्रशासन ने, बट वहाँ पर साधन तो सर कोई नहीं है ना, ट्रेन नहीं है वहाँ पर, मतलब जो लगा रहे हैं सुई, जो पेशेंट है वहाँ इतनी इतनी उनकी बाजू फूल रही, मेरे हस्बैंड व्हील चेयर पर, वरना मैं लाती आप लोगों को यहाँ दिखाती कि क्या हालत है उनकी बाजू की। सर फिस्टूला अगर पंचर हो गया तो दोबारा फिर फिस्टूला बनवाने जाऊँ? 15,000 रुपया प्रशासन देगा मुझे? मैं जॉब में नहीं, मेरे हस्बैंड जॉब में नहीं है। यहाँ से पंचशील से दीपमाला जाने का सर एक बार का 600 रुपया ऑटो आने जाने का लेता है, क्योंकि वहाँ मैं चली तो जाऊँ लेके किस पे आऊँ मेरे हस्बैंड को? महीने का 4,500 मैं कहाँ से लाऊं, जिसकी कोई जॉब नहीं है? मैं मतलब घर में खाना खिलाऊं या मैं यहाँ इनके ये अस्पतालों के ये भरूं? सर ये बोलने कि आपको वहाँ फ्री इलाज है, उसके अलावा और फैसिलिटी तो कोई नहीं है। आज मेरे हस्बैंड को वहाँ कुछ हो गया तो ICU नहीं है सर, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है, वहाँ पर ये प्रशासन सो रहा है क्या? इनको नहीं दिखता हम रोज आ रहे हैं क्या? मतलब पेशेंट को छोड़ के हम यहाँ आए क्या? कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं, कितनी बार सर? हर 2 दिन बाद कोई ना कोई हमारे, क्योंकि देखिए डायलिसिस होनी है, मैं आज यहाँ आई हूँ, 3 बजे मेरे हस्बैंड की डायलिसिस है, मुझे फिर वहाँ जाना है। मतलब अगर मेरे हस्बैंड की डायलिसिस, मैं तो यहाँ नहीं आ सकती। कोई ना कोई हम लोगों से रोज़ आके प्रशासन को बोल रहे हैं कि कुछ कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद आपके द्वारा हमारी बात वहाँ पहुँच जाए।
अगर अभी भी चालू नहीं होती है तो आपके द्वारा कुछ बड़ा? बिल्कुल, मैं तो मेरे हस्बैंड को यहाँ लाऊंगी, यहाँ बैठूंगी। मैं तो ये चाहती हूँ मेरे को या मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को आप इंजेक्शन दे दीजिए, गोली दे दीजिए, हम यहीं मर के खत्म कहानी हमारी। इतना दुखी आ चुके हैं सर, हम इतना दुखी आ चुके हैं, मुझे नहीं करवानी डायलिसिस वहाँ पर। आप जेएलएन में स्टार्ट कीजिए और संजीवनी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो ट्रेन स्टाफ है, कुछ भी होते हैं पेशेंट को सर, हाथों हाथ वो लोग पेशेंट को संभाल लेते हैं है। और वहाँ कोई संभालने वाला ऐसा नहीं है सर। आपका नाम बता दीजिए। तेजिंदर सोडी मेरा नाम है, तेज बहादुर सिंह सोडी।